और कल अंतिम संस्कार होना है। हालांकि अजय हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अजय, मिलिट्री हॉस्पिटल से जो शव था वो निकल चुका है, आगे क्या कुछ रहेगा, क्या अंतिम दर्शन के लिए उनके आवास पर पार्थिव देह को रखा जाएगा? जी हाँ, देखिए जिस तरह से बातचीत हुई है उससे ये बताया गया है कि उनके पार्थिव शरीर को वहाँ लाया जाएगा और वहाँ पर लोग उनको श्रद्धांजलि देंगे और तमाम जो लोग हैं वो जाना चाहते हैं, उनको श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। यहाँ उत्तराखंड से भी काफी तादाद में परिजन और बाकी अन्य लोग आपस में एक दूसरे के साथ संपर्क में जुटे हुए हैं। सभी लोग वहाँ जाएंगे, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। उनकी दोनों बेटियाँ जो हैं उनसे भी उनके बाकी के परिजनों ने बातचीत की है। एक बेटी का विवाह हुआ है, एक बेटी जो है विवाहित है और जो उनके चाचा हैं वो यहाँ से जल्दी ही अभी रवाना होने वाले हैं। बाकी के पूरे गांव में शोक की लहर है। अजय, आपकी परिजनों से भी बातचीत हुई थी, तो पैतृक गांव से इस वक्त आप वहां पर मौजूद हैं, उनके परिवार में कौन कौन है और कौन कौन दिल्ली के लिए रवाना हो सकता है, क्या ज्यादा जानकारी है? देखिए, चूंकि उनका जो घर है, पैतृक जो आवास है, वो गांव से काफी ऊपर है और उस जगह पर मात्र 3 परिवार रहते हैं। उनके चाचा हैं और उनके परिवार के लोग हैं, बाकी के गांव वाले हैं वो नीचे दूसरी जगह पर रहते हैं। थोड़ी चूंकि दुर्गम इलाका है, यहाँ पगडंडी के सहारे लोग आते हैं, आते जाते रहे हैं और जनरल बिपिन रावत इसी बात को लेकर के सबसे ये कहते रहे कि जो पूरा क्षेत्र है वहाँ विकास की जरूरत है, विकास की दरकार है और वो यहाँ के लिए काम करना चाहते हैं, यहाँ के लोगों को बढ़ावा देना चाहते हैं विकास करके और लोगों को जो तमाम सुविधाएं वो देना चाहते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कभी भी उन्होंने अजय आप बने रहिएगा, तो ये सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर सलामी दी जा रही है और तमाम जो जवान हैं वो मौजूद हैं इस वक्त। तमिलनाडु से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर पार्थिव देह रखा जाएगा, जिसके बाद में सलामी ली जाएगी और जो तमाम डिफेंस के जवान हैं वो इस वक्त मौजूद हैं। कुछ ही देर बाद दिल्ली के लिए शव रवाना होंगे, जिसके बाद दिल्ली की छावनी इन्हें ले जाया जाएगा और कल यानी कि शुक्रवार को अंतिम संस्कार किया जाएगा। ये श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है जहां डिफेंस के तमाम जवान इस वक्त तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ में संवाददाता अजय पांडे जुड़े हुए हैं। अजय, उत्तराखंड में जो माहौल है वो काफी ज्यादा गमगीन दिखाई दे रहा है और कल ही मुख्यमंत्री ने भी 3 दिन का राजकीय शोक भी घोषित किया था, तो कल अंतिम संस्कार होना है, क्या मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी पहुंच सकते हैं? देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अंतिम संस्कार में शामिल होंगे और वो वहां जाएंगे और इसके साथ साथ कई मंत्री भी उनके अंतिम संस्कार के दौरान मौजूद रहेंगे। क्योंकि यहां पर विधानसभा का शीतकालीन सत्र आहूत किया गया है, काफी महत्वपूर्ण सत्र है, लेकिन क्योंकि इस बीच में ये दुखद घटना हुई है तो आज विधानसभा के सत्र के पहले दिन, चूंकि शीतकालीन जो सत्र आहूत किया गया है उसके पहले दिन शोक संवेदना प्रकट की जाएगी और विधानसभा के पटल पर अशोक प्रस्ताव रखा जाएगा। सभी जो सदस्य हैं वो अपना
अपनी संवेदना हेलो प्रकट करेंगे और इसके बाद सदन की अरे कार्यवाही आज होगा के लिए स्थगित की जाए कर दी जाएगी, लाइव क्योंकि दो लाइव भी दिन तो का नहीं सत्र लेंगे निर्धारित किया गया था। तो अब आज की कार्यवाही नहीं हो पाएगी, तो कल और एक दिन और बढ़ा दिया गया है, यानी कि 11 तारीख को भी सत्र का आयोजन किया जाएगा और बाकी की जो कार्यवाही है, जो प्रोग्राम है, वो पूरा किया जाएगा। लेकिन चूंकि इस बीच में जनरल रावत के निधन की यह दुखद घटना सामने आई है, सभी लोग गमगीन हैं, सभी लोग अपने अपने स्तर से उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं और किसी को उम्मीद नहीं थी कि इस तरह की घटना भी देखने और सुनने को मिलेगी। चूंकि जनरल रावत उत्तराखंड के तमाम नेताओं के साथ, आम लोगों के साथ सीधे कनेक्ट रहे हैं, कई बार जब कई सम्मेलन आयोजित किए गए थे तो उनमें वो शामिल होते रहे और यहाँ आना चाहते थे और यहाँ के लोगों के साथ मिलते रहे और जब भी लोग उनसे मिलते थे, बातचीत करते थे, कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि वो किस उनका प्रोफाइल क्या है, किस स्तर के बड़े नेता, बड़े व्यक्तित्व हैं। लेकिन वो आम लोगों की तरह ही व्यवहार करते थे, सभी लोगों के साथ मिलजुल करके बातचीत करते थे। कई बार जो प्रोटोकॉल होता है, चूंकि बड़े पद पर रहे हैं और उनका जो प्रोटोकॉल होता है वो भी वो तोड़ करके लोगों से मिलते रहे। IMA का जो POP है वो 11 तारीख को होना है और वो राष्ट्रपति के साथ आने वाले थे, लेकिन इस बीच दुखद घटना भी देखने को मिली, सामने आई है। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि नवंबर में वो यहाँ जब आए थे तो राजभवन में तमाम पत्रकारों के साथ भी उन्होंने मुलाकात की थी, बातचीत की थी, बहुत सारे सवालों का जवाब आराम से देते थे, बहुत अच्छे तरीके से बातचीत करते थे। उनसे जो जुड़ी बहुत सारी यादें हैं, बहुत सारी बातें हैं। आप जिससे भी, जैसे आपने अगर देखा होगा, अगर आप मिले होते उनसे, तो आप ये उम्मीद कर आप खुद अपने तरीके से बताने की कोशिश करती कि किस तरह से वो उनका व्यक्तित्व तो रहा है, कितने साधारण व्यक्ति रहे हैं, किस तरह से कभी उन्होंने जिस पद पर रहे हैं उस पद को लेकर के, जैसे कि बाकी अन्य लोग बात करते हैं, उस तरह का कभी कुछ देखने को सुनने को नहीं मिली ये सारी चीजें। और एक सामान्य व्यक्ति की तरह वो हमेशा लोगों के साथ मिलते रहे और सबसे बड़ी बात ये रही कि हमेशा अपने प्रदेश के विकास को लेकर के, अपने क्षेत्र के विकास को लेकर के वो बातचीत करते रहे। प्रदेश के कई मुख्यमंत्रियों के साथ वो हमेशा बातचीत करते थे। जब भी इस तरह का आयोजन होता था कि रिवर्स पलायन कैसे हो, प्रदेश का विकास कैसे हो, युवाओं को रोजगार कैसे मिले, सेना में युवा कैसे जाए, उनको किस तरह से प्रेरित किया जाए, इन तमाम चीजों को लेकर के जब बैठकें होती थी, सम्मेलन होते थे, तो वहां वो जरूर शामिल होते थे और कभी वो मना नहीं करते थे। अपने जरूरी कामकाज को छोड़ करके भी वो यहाँ आना चाहते थे और अपने जो पैतृक गाँव है वो बड़ा संदेश वो ये एक दे गए हैं कि अपने पैतृक गांव, अपने माटी, अपने जमीन, अपने मातृभूमि को नहीं भूलना चाहिए। जहां जन्म हुआ है वहां पर सभी लोगों का कनेक्ट रहना चाहिए। अपने परिजनों, अपने आने वाली जो पीढ़ी है उनको जरूर बताएं कि हमारे पूर्वज इस जगह पर रहते थे, वो किन विषम परिस्थितियों के बावजूद भी उन्होंने अपने जगह को नहीं छोड़ा है, अपने पैतृक आवास को, अपने जन्मभूमि को कैसे वो याद करते रहे, कैसे वो वहां आना चाहिए, कैसे मिलना चाहिए। और जब वो यहाँ आए थे अपने पैतृक आवास पर, तो उन्होंने सबको यही कहा था कि वो रिटायरमेंट के बाद अब यहाँ आकर के बसना चाहते हैं और सभी लोगों को एक संदेश देना चाहते हैं कि सभी लोग अपने जो मातृभूमि है, जहाँ उन्होंने जन्म लिया है, वहां जरूर आए। भूमि से प्रेम का उद्देश्य ही नहीं, पूरी दुनिया के लिए एक अच्छा संदेश है। और ये दो तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में जहाँ आपको बता दें कि डिफेंस के जवान हैं जो कि श्रद्धांजलि दे रहे हैं तमाम उन शहीदों को जो कि कल हेलीकॉप्टर क्रैश में शहीद हुए थे। वहीं दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये उत्तराखंड से ये तस्वीरें हैं और कल से ही देखा जा रहा है कि उत्तराखंड में तमाम श्रद्धांजलि सभाओं का आयोजन किया जा रहा है। बच्चे हो या फिर बूढ़े, सभी आयु उम्र वर्ग के जो लोग हैं वो श्रद्धांजलि देने के लिए पहुँच रहे हैं। अजय, ये बताइए कि उत्तराखंड में क्या आज भी श्रद्धांजलि सभा का सिलसिला रहेगा, क्योंकि कल से ही जैसे ही हमने सुना कि खबर सामने आई, उसके बाद भी जो उत्तराखंड का माहौल था काफ़ी ज़्यादा गमगीन हो गया था और कल से ही हम देख रहे हैं कि स्कूल के बच्चे हैं या फिर बड़े हैं या बुजुर्ग हैं, हर कोई श्रद्धांजलि देने के लिए पहुँच रहा है। जगह जगह पर श्रद्धांजलि सभाओं का आयोजन भी हो रहा है। मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है अजय? सभी लोग दुखी हैं कि वो बीच में लोगों को छोड़कर के चले गए, जो
जो काम वो करना चाहते थे, कई ऐसे काम है वो अधूरे रह गए। अब उनके निधन के बाद जगह जगह तमाम जगहों पर शोक सभाएं आयोजित की जा रही है। और जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है, आहूत किया गया है, तो ऐसे में चाहे विपक्षी दल हैं या बाकी कर्मचारी संगठन, बाकी तमाम लोग विधानसभा कूच करने वाले थे, विधानसभा का घेराव करने वाले थे, आंदोलन शुरू करने वाले थे, लेकिन जैसे ही सबको उनके निधन की खबर जानकारी हुई, उसके बाद से सब लोगों ने अपने अपने कार्यक्रमों को निरस्त कर दिया है। और उसके बाद से उनके लिए शोक संवेदनाएं दी जा रही हैं, शोक सभाओं का आयोजन किया जा रहा है। राजनीतिक दल अपने अपने मुख्यालयों में, अपने अपने कार्यालयों में उनके लिए शोक संवेदनाओं का आयोजन कर रहे हैं, शोक उनको उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। इसी तरह से बहुत जगह पर बच्चे और तमाम उनके अभिभावक हैं, वो लोग भी शोक उनके लिए संवेदना प्रकट कर रहे हैं, उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। जिस तरह का उनका व्यक्तित्व रहा है, देखिए उनके लिए, उनके बारे में बताने के लिए बहुत सारी, बहुत कुछ है, बहुत सारी यादें हैं। और जैसा कि मैं आपको बता दूं कि मैं भी उनसे जब मिला, कई बार हमारी उनसे मुलाकात हुई, हमने उनसे तमाम सवाल भी किए। जब 2017 में IMA के पासिंग आउट परेड में आए थे, तो उस वक्त सभी लोग ये सोचते थे कि चूंकि वो सेना के थल सेना में बड़े पद पर हैं और उनके पास कैसे कोई जाएगा, क्योंकि उनका प्रोटोकॉल है, उनसे कैसे बात करेंगे। IMA के कई अधिकारी इस बात को लेकर के मना करते रहे कि पत्रकार उनके पास नहीं जाएंगे, उनसे बात नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने खुद बुलाया, सारे पत्रकारों को बुलाया, सबसे बातचीत की। बहुत सारे पत्रकारों से उन्होंने गढ़वाली में भी बातचीत की, उन्होंने उनके बारे में पूछा कि कौन सी जगह पर रहते हैं, कहाँ पर दिक्कतें हैं, किस तरह की परेशानियां हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें रही है जो उनके बारे में बताने के लिए चीजें रही हैं, लेकिन आज वो नहीं है। सभी लोग शोक संवेदना प्रकट कर रहे हैं, सभी लोग दुखी हैं। और एक ऐसे व्यक्तित्व के चले जाने पर, देखिये सेना में तमाम लोग हैं, बहुत सारे लोगों से लोग जुड़ाव रखना चाहते हैं, उनसे उनको आदर्श मान करके सेना में शामिल होना चाहते हैं, सेना से जुड़ना चाहते हैं, देश की सेवा करना चाहते हैं। और इसी वजह से वो बहुत सारे जो युवा हैं उनको प्रेरित करने का काम करते रहे हैं, और बड़ा संदेश हमेशा वो देते रहे हैं कि अपने क्षेत्र के विकास को लेकर के, अपने माटी को, अपने जमीन को, अपने पैतृक भूमि को, अपने परिवार के जो लोग हैं जहां पर उन लोगों ने निवास किया है, आने वाली पीढ़ी को जरूर दिखाएं, अपने गांव में ले जाकर के अपने बच्चों को घुमाएं, ताकि उनको भी एक नया संदेश जाए, वो भी जाने कि उनके पूर्वज कहाँ रहते थे, किस स्थिति में रहते थे, और उस जगह का कैसे विकास होगा, वहाँ कैसे वहाँ के क्षेत्र का बढ़ावा होगा। और जो पलायन की जो समस्या थी उसको लेकर के काफी गंभीर रहे, जब उत्तराखंड की सरकार में इस तरह का आयोजन किया गया कि पलायन को कैसे रोका जाए और युवाओं को कैसे रोजगार मुहैया कराया जाए, तो उस सम्मेलन में कई बड़े जो लोग शामिल हुए थे उसमें जनरल बिपिन रावत भी थे, उन्होंने बेबाकी से अपनी बातें कही और ये बताया कि किस तरह से दूरस्थ क्षेत्रों का विकास हो सकता है। उन्होंने तमाम जगहों का जिक्र भी किया था उस समय, और ये भी कहा कि कैसे उन जगहों की जो समस्याएं उनको दूर किया जाए, और आने वाले समय में उनका एक बड़ा रोड मैप भी उन्होंने तैयार किया था, उस पर वो काम करने वाले थे। लेकिन चूंकि बीच में अब चले गए हैं, उनके निधन के बाद जो इस क्षेत्र के लोग हैं वो काफी गमगीन महसूस कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि उनकी जो आस थी वो आस अब टूटती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जब वो थे तब वो उनके रहते में जो काम नहीं हो पाए थे, तो अब उनके जाने के बाद क्या वो काम हो पाएंगे, क्योंकि जिस जगह पर उनका आवास है, जिस जगह के, जिस गांव के वो हैं, वहां पर तमाम दिक्कतें हैं, जंगली जानवर आते हैं, उनके फसलों को नुकसान करते हैं, और विकट परिस्थितियों में वो लोग रहते हैं। जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो सुविधाएं उनके पास नहीं है। अभी तक सबसे बड़ी बात यह कि उनके गाँव, उनके घर तक सड़क नहीं पहुँच पाई। आप समझ सकती हैं कि ऐसा व्यक्ति, तो ऐसा व्यक्ति जो इस जगह पर रहा हो, इतने बड़े पद पर रहा हो, वो अपने घर तक सरकार के द्वारा सड़क मुहैया नहीं करवा पाए, सड़क नहीं पहुंचा पाए। ये इसके बाद उन्होंने लोगों से ये कहा था कि वो अपने खर्चे से वहां पर निर्माण काम करवाएंगे, और बहुत सारे लोगों से जब वो आते थे तो मिलते थे,
और जो गांव के लोग हैं उनके उनके तमाम परिजन हैं और बाकी अन्य लोग हैं, उन लोगों से जब हमारी बातचीत हुई तो उनका यही कहना है कि बहुत ही सादगी भरा उनका जीवन रहा है और इतने बड़े पद पर रहे, सारे लोग उनके उनको लेकर के गौरवान्वित महसूस करते थे। सभी लोग लोगों को इस बात का गर्व था कि उनके अपने बीच का अपने परिवार का कोई सदस्य इतने बड़े पद पर है और आज उनके जाने के बाद सभी लोग गमगीन हैं, दुखी हैं। वाकई में अजय कि सभी लोग वाकई में काफी ज्यादा गमगीन और दुखी हैं। आगे क्या कुछ रहेगा उसके बारे में अपने दर्शकों को बता देते हैं कि ये श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया जा रहा है, जिसका वक्त 10:30 बजे का निर्धारित किया गया था और ठीक उसी समय पर श्रद्धांजलि सभा शुरू हुई, जिसके बाद तमाम शहीदों को श्रद्धांजलि दी जा रही है। बड़ी संख्या में जवान यहाँ पर मौजूद हैं और आपको बता दें कि करीब 12 बजे सुलूर एयरबेस से पार्थिव शरीर विशेष विमान के जरिए दिल्ली लाया जाएगा और दिल्ली के एयरफोर्स टेक्निकल एयरपोर्ट पर जनरल विपिन रावत और उनकी पत्नी का पार्थिव शरीर 4 बजे के आसपास पहुँचेगा, जिसके बाद पार्थिव शरीर को धौलाकुआ के मिलिट्री अस्पताल में ले जाया जाएगा। और शुक्रवार की अगर हम बात करें कल की, तो कल अंतिम संस्कार होना है और 11 बजे जनरल विपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत का पार्थिव शरीर उनके सरकारी आवास 3 कामराज मार्ग से अंतिम दर्शन के लिए वहां पर रखा जाएगा और दोपहर 2 बजे उनके पार्थिव शरीर को सेना के तीनों अंगों के मिलिट्री बैंड के साथ में धौलाकुआ के बरार स्क्वायर ले जाया जाएगा और करीब 4 बजे धौलाकुआ के बरार स्क्वायर में अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो अभी जो अपडेट मिल पा रही है वो यही है कि धौलाकुआ में अंतिम संस्कार किया जाएगा। हालांकि अभी श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया जा रहा है और जो कल जवान शहीद हुए थे, आपको बता दें कि कुल 13 लोगों की मौत हुई थी, जिनमें विपिन रावत की धर्मपत्नी भी शामिल थी। हालांकि माहौल काफ़ी ज़्यादा गमगीन हो गया है और साथ ही उत्तराखंड में 3 दिन का राजकीय शोक भी घोषित किया गया है। अजय हमारे साथ में लगातार जुड़े हुए हैं। अजय, जनरल विपिन रावत के जाने के बाद में एक गमगीन माहौल तो देखा ही जा रहा है, साथ ही जैसा कि आपने बताया कि उनके जो पैतृक गांववासी हैं उनकी कहीं ना कहीं उम्मीदें भी टूटी हैं। किस तरह से वो याद कर रहे हैं विपिन रावत को, आपकी उनसे बात भी हुई, किस तरह से अपना निजी जुड़ाव उन्होंने व्यक्त किया? देखिए, चूंकि विपिन रावत एक लो प्रोफाइल वाले व्यक्ति तो रहे हैं और जब इस पद पर वो रहे उसके उस पर उसके बाद वो कई बार यहाँ पर आए हैं, अपने क्षेत्र में मिले हैं लोगों से और चूंकि जो अपना पैतृक आवास है वहां पर वो 2018 में आए थे और वहां पर उन्होंने पूजा की थी, क्योंकि इस तरह के जो आयोजन पहाड़ में कई जगहों पर किए जाते हैं, लोग आते हैं और अपने पैतृक जो देवी देवता हैं उनका उनकी पूजा अर्चना करते हैं। और उस समय उन्होंने लोगों से ये कहा था कि मैं यहाँ रहना चाहता हूँ और यहाँ पर नया निर्माण करना चाहता हूँ। लोग काफी खुश थे इस बात को लेकर के और उसके लिए उन्होंने आगे की प्रक्रिया शुरू भी की थी। सभी लोगों को उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री से भी ये कहा था कि वो जो प्रोजेक्ट चलाना चाहते हैं, जिस तरह से रिवर्स पलायन के लिए पलायन आयोग बनाया गया है, वो उसमें योगदान देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि सबसे पहला कदम वो उठाएं और वो आकर के यहाँ रहें, ताकि लोगों को एक बड़ा संदेश जाए कि जो बड़े व्यक्तित्व हैं, बड़े लोग हैं, वो भी अपने गांव में जब जा करके रह सकते हैं तो बाकी अन्य लोगों को भी अपने गांव में आकर के रहना चाहिए। कम से कम उनका अपना घर हो, अपने परिवार के लोगों को, अपने बच्चों को दिखाना है कि कैसे उनके परिजन लोग रहते थे, कैसे वो लोग वहां रह रहे हैं और बाकी अन्य जगहों पर वो जहां रहते हैं वहां रहें, लेकिन कम से कम अपने घर पर, अपने जो पैतृक आवास है वहां जरूर आए, आना जाना शुरू करें। इससे लोगों के बीच में एक बड़ा संदेश भी जाएगा कि कैसे लोग पहले के जो लोग रहे, पूर्वज लोग रहे, वो रहते थे और जब वो लोग वहां रहेंगे, बड़े लोग अपने अपने गांव में जाकर रहेंगे, तो जो विकास की गति है, विकास की जो जरूरतें हैं, वो सारी जरूरतें वहां अपने आप पहुंचेंगे। क्योंकि जब बड़े लोग जाकर के वहां निवास करेंगे, उनको तमाम चीजों की जरूरत होगी, मूलभूत सुविधाओं की जरूरत होगी, तो सरकार की ओर से मूलभूत सुविधाएं जो है वहां तक उनके पास पहुंचा दी जाएगी। इसी को लेकर के वो काम करते रहे और इसी को लेकर के वो लगातार सरकार के तमाम प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करते रहे। कई आयोजन हुए जिसमें वो आकर के शामिल हुए
जब ये दीपावली के वक्त में जब वो आए थे यहाँ पर राजभवन में, तो राजभवन में भी तमाम पत्रकारों से जब उन्होंने बातचीत की थी तो उन्होंने यही बोला कि वो अब यहाँ पर जल्द ही आ करके रहेंगे, और उनके उन्होंने अपने बच्चों को भी ये कहा है कि वो लोग भी आकर के उनके साथ रहेंगे और कुछ दिन यहाँ रहेंगे, और बाकी ठीक है अन्य जगहों अजय, पर जैसे आप नजर उनकी बनाए कामकाज। रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।